वेलकम टू सीए गुरु जी चैनल। मैं हूँ पूजा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और नया अपडेट जीएसटी का। आप सभी को पता है डेली जीएसटी में आ रही हैं बहुत सारी अपडेट्स और आज ही जीएसटी में नया ऑर्डर इशू हुआ है, यानी इशू की डेट है 4 दिसंबर। ऑर्डर का नंबर है 9/2019 और ऑर्डर की डेट है 3 दिसंबर 2019। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या है इस ऑर्डर में। तो आपको अगर अपडेट रहना है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जीएसटी में काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती हैं। इसीलिए इसे लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है ऑर्डर। नंबर है 9/2019, डेट है 3 दिसंबर। सब्जेक्ट रिटर्न नहीं है पर आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जीएसटी में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 37 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बोला गया था पर अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई थी, यानी अभी तक बनी ही नहीं थी। उसी से रिलेटेड ये सर्कुलर है कि अगर आप जीएसटी में किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और अभी तक क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी ही नहीं है तो आपको उसके लिए एक्सटेंशन दी गई है, यानी उस केस में आपको क्या डेट्स माननी है जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बन जाती वो दिया गया है इस ऑर्डर में। तो चलिए एक बार जानते हैं फटाफट इसमें जो पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का सेक्शन 112 है उसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम, कि कोई भी पर्सन जो ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास हुआ है उसके लिए अंडर सेक्शन 107 और सेक्शन 108 ऑफ दिस एक्ट और द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में अपील कर सकता है किसे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, अगेंस्ट सच ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर sought to be appealed against is communicated to the person. तो according to the section, time दिया गया है किसे, उस person को जो order के against appeal करना चाहता है 3 months का time दिया गया है जब उसे वो communication receive हो, ठीक है। Second paragraph में जो time limit है वो दी गई है commissioner के लिए कि section 112 का subsection 3 बोलता है that the commissioner में on his own motion या request from the commissioner of state tax or commissioner of unitary tax call for and examine the record of any order passed by the appellate tribunal or regional authority under this act or the state goods and service tax act or union territory GST act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said act and may by order direct any officer subordinate to him to apply to the appellate tribunal. तो उन्हें अप्लाई करना है कब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द सैड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच पॉइंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द सैड ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर इन हिज ऑर्डर। तो ये जो 2 टाइम लिमिट्स यहाँ पे दी गई है इसी के बारे में बात की गई है कि क्योंकि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपीलेट ट्रिब्यूनल का और इसके बेंचेस का वो नहीं हुआ है, एज अ रिजल्ट वेयर ऑफ द सैड अपील और एप्लीकेशन कुड नॉट बी फिल्ड, जिसकी वजह से ये जो हम टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं या अपील की बात कर रहे हैं वो फाइल की ही नहीं जा सकती विद इन द टाइम स्पेसिफाइड एज पर द सबसेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन डिफिकल्टी हैव बीन अराइजन इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सैड सेक्शन। तो लोगों को दिक्कत आ रही थी कि गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि आप अपील फाइल कर लो अपीलेट ट्रिब्यूनल में और उसका टाइम भी रख दिया, पर जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल ही नहीं है तो फिर कहाँ अपील फाइल करें। तो अब इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर निकाला है, इसको बोला जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑर्डर 2019 9th रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर। इसमें बोला है फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड, इट यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग, एक तो हमने पर्सन के केस में जो अपील फाइल करेगा पर्सन उसे केस में हमने जाना कि 3 महीने के अंदर उसे फाइल करनी होती है अपील जब उसे वो ऑर्डर रिसीव हुआ, तो 3 मंथ्स जो देखने हैं हमें उसके लिए कंसीडर करना है लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, मतलब पहली डेट तो आपके कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर की या द डेट ऑन विच द प्रेजिडेंट और स्टेट प्रेजिडेंट एज द केस मे बी ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 109 एंटर्स ऑफिस। तो इन दोनों डेट्स में से जो भी बाद में हो
वो आपको देखनी है जब आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल बन जाए। और 6 मंथ्स के केस में भी इसी तरह से डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर या फिर डेट ऑन विच अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 119 एंड ऑफिसर्स एंटर्स द ऑफिस। तो इसके लिए था ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इन मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टिल 109 सेक्शन के अंदर अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूट होना बाकी है। आप भी इन सेक्शन का फायदा उठा के अपील में जाना चाह रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे, तो आपको इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के तहत अब एक्शन लेना है। इसके हिसाब से ही आपने अब कंप्लाई करना है अप्लाई करने के लिए। जीएसटी में आए दिन हो रहे हैं इतने सारे चेंजेस, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स बड़े परेशान हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, टैक्स पेयर्स को समझ नहीं आता कि हम अपना बिजनेस ग्रो करें या सारा दिन जीएसटी का ही काम करें। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जुड़ जाइए क्लियर टैक्स के साथ, क्योंकि यहाँ आपकी बहुत ही कम टाइम में आसानी से रिटर्न्स फाइल होती हैं, क्योंकि इनका सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। यानी आप इनवॉइस बनाएंगे तो जीएसटी रिटर्न्स तैयार हो जाएंगी, साथ ही सारी रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी, वहीं से ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी 2A की मैचिंग हो जाएगी। तो एक बार इसे साइन अप करिएगा, साइन अप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 30 डेज का ट्रायल वर्जन है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी आपको दी हुई है। फेसबुक और ट्विटर पे सर्च करिए #CAGuruji। और मैं अपने उन व्यूवर्स को दिल से बोलना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे सबसे पहले व्यूवर्स तो सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख सके हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। स्टे अपडेटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।